हेयर फॉल हो रहा है, बालों का टेक्सचर भी ख़राब हो रहा है, अनियन वाटर से हमें स्मेल आती है, गार्लिक वाटर तो हम बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते, एलोवेरा जेल तो बहुत ही चिपचिपा होता है। अंडा? नो, मैं अपने बालों पे अंडा कभी यूज़ नहीं कर सकती। अगर इनमें से कोई एक्सक्यूज़ आपका है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ शिज़रा एंड वेलकम बैक टू माई चैनल शिज़रा सलमान। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हेयर केयर की, कि किस तरह से मैं अपने बालों का ख्याल रखती हूँ। इंस्टाग्राम पे मुझे काफ़ी सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें बताएं कि आप अपना हेयर केयर कैसे करती हैं, कि आपके बाल इतने ज़्यादा शाइनी, सिल्की, स्मूथ कैसे हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने बालों का ख्याल किस तरह से रखती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। यहाँ रेड कलर का बटन होगा, उसको प्रेस कर दें, साथ में बेल का आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी तमाम वीडियोज आप तक चुटकियों में फटाफट से पहुंच जाए जब भी मैं इसको अपलोड करूँ। अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जैसे कि हम अपनी स्किन को हेल्दी, ग्लोई, ब्यूटीफुल बनाने के लिए अपनी स्किन पे कितनी मेहनत करते हैं कि यार हमारी स्किन डल हो गई है, हमारी स्किन पे टैनिंग हो गई है, हम इसको इस तरह से DIY कर लें, हम पार्लर चले जाएं, हम फेशियल्स करवा लें, हम अपने फेस पे महंगी महंगी क्रीम्स लगाते हैं कि हमारा फेस जो है, हमारा स्किन बहुत ही अच्छी लगे, बहुत ही प्यारी लगे, ग्लोई लगे, और सब हमारी तारीफ करें। किसको नहीं पसंद होता? हर एक लड़की को पसंद होता है कि हर कोई उसकी तारीफ करे, और हर लड़की ये चाहती है कि उसका फेस जो है वो 100 वॉट बल्ब की तरह चमके। लेकिन स्किन के साथ साथ क्या हम अपने बालों का ख्याल रख रहे हैं? क्या हमारे बाल जो गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं, रफ हो रहे हैं, झाड़ियाँ बनी हुई हैं, बहुत बुरे हो रहे हैं, तो क्या हम उनका ख्याल रख रहे हैं? हम सब ये जानते हैं कि ऑयलिंग हमारे बालों के लिए कितना ज़्यादा इफेक्टिव है, लेकिन फिर भी वही सुस्ती, हम बिल्कुल भी नहीं करते, ऑयलिंग नहीं करते। क्यों नहीं करते? हमें ऑयलिंग लाजमी करनी चाहिए। आज की वीडियो में मैं आपके साथ इसी टॉपिक पे बात करूंगी कि कैसे आप अपने बालों को हेल्दी, स्ट्रॉन्ग और फुलर बना सकते हैं। ये रेमेडी बहुत ही ज्यादा बेस्ट है अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है, हेयर ग्रोथ का प्रॉब्लम है, जैसे आपके बाल लंबे नहीं हो रहे, बढ़ नहीं रहे, आपके बाल बहुत ज्यादा टूट रहे हैं लेकिन ग्रो नहीं हो रहे, आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई हुए हुए हैं, बहुत ही झाड़ियां टाइप बने हुए हैं, बिल्कुल स्मूदनेस नहीं है, सिल्की नहीं है, शाइनी नहीं है। तो इन सारी बातों को आज हम डीपली डिस्कस करने वाले हैं अपनी इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। ऑलराइट, तो सबसे पहले बात करते हैं हेयर फॉल की। हेयर फॉल हमें आखिर क्यों होता है, क्या वजह है? इसकी काफी सारी वजह है। हेयर फॉल का सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम जो है वो है स्ट्रेस। यस गाइस, स्ट्रेस बिल्कुल मत लिया करें। स्ट्रेस लेने से सिर्फ और सिर्फ आपके सेहत पे असर पड़ेगा, बाकी आप अगर किसी के लिए ले रहे हैं या किसी की वजह से स्ट्रेस ले रहे हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सिर्फ और सिर्फ आपकी हेल्थ पे इसका असर होगा, जो कि हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। वैसे तो ओवरऑल हम हैप्पी लग रहे हैं, खुश हैं, सब कुछ सेट है, लेकिन छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमारे माइंड में चलती रहती हैं, छोटी छोटी बातों को हम पकड़ के बैठ जाते हैं, सोचते रहते हैं यार ये होता तो ऐसे होता, ऐसे होता तो वैसे होता, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, उसने ये कह दिया, उसने वो। यार बिल्कुल स्ट्रेस न लें। स्ट्रेस लेंगे वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है और हमारी ओवरऑल हेल्थ पे इसका असर पड़ता है, और हेल्थ के साथ साथ हमारे बालों पे, हमारे स्किन पे हमारे डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, हमारी स्किन बहुत ज्यादा डल हो जाती है, हमारे बाल ड्राई हो जाते हैं स्ट्रेस की वजह से। स्ट्रेस बिल्कुल भी हमें नहीं लेना, हमें सिर्फ चिल करना है। हेयर फॉल की जो नंबर सेकंड वजह है वो है हमारा अनहेल्दी डाइट। यस, हम जो है वो तली हुई चीजें ज्यादा खा रहे हैं, अनहेल्दी फूड्स खा रहे हैं, डोनट्स, पेस्ट्रीज, बेकरी की चीजें, ये वो, और अनाप शनाप उल्टी सीधी चीजें हम खाते रहते हैं, जिसकी वजह से भी हमारी हेल्थ पे असर होता है। और हेल्थ के साथ साथ जब हमारी हेल्थ पे असर होगा तो उसका असर हमारी हर चीज पे होता है, हमारी फुल बॉडी पे होता है, और बॉडी में हमारी स्किन भी आती है, बाल भी आते हैं, नेल्स भी आते हैं, हर चीज है। तो हमेशा हमें हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, जैसे कि हमें अपने फ्रूट्स है, जूसेस, फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल करना चाहिए अपनी डेली लाइफ में। उसके अलावा हमें सब्जियाँ, फ्रूट्स ये खाने चाहिए, रॉ कच्ची सब्जियाँ जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, हमें वो खानी चाहिए। अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो कोई भी आपका ख्याल नहीं रखेगा, तो इसलिए सबसे पहले अपना ख्याल रखें ताकि आप अपने प्यारों का ख्याल रख सकें। थर्ड जो मेन प्रॉब्लम है ना, वो है जंक फूड। आजकल हमारी रूटीन में हर रोज़ KFC आ रहे हैं, रोज़ मैकडोनल्ड्स आ रहे हैं, और ये हमारी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है।
कोई भी फास्ट फूड हो, कोई भी जंक फूड हो, बर्गर्स, पिज्ज़ाज, ये सारा कुछ हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, हमारी सेहत को ये डैमेज करता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दें, नहीं, मैं भी ऐसा नहीं करती। हफ्ते में एक बार KFC तो मैं भी खाती हूँ, लेकिन हफ्ते में एक बार कोशिश करें, 15 दिन में एक बार खाएं। आप जंक फूड को छोड़ के देखें, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको अपनी स्किन में, अपने बालों में आपको वाजे फर्क नजर आएगा। एक और जो वजह है हेयर फॉल की, वो है विटामिन डी डेफिशिएंसी। अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो हमारे बालों पे भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। विटामिन डी यानी कि कैल्शियम हमें बहुत ज्यादा लेना चाहिए अपनी डाइट में। प्रोटीन्स, कैल्शियम्स, ये हमारी हड्डियों के साथ साथ हमारे बालों को भी मजबूत बनाते हैं। आपको पता है हमारे बाल जो है वो प्रोटीन से बने हुए, और जब हम प्रोटीन्स नहीं लेंगे तो वो स्ट्रेंथ कैसे आएगी हमारे बालों में? जब तक हमारे बालों में स्ट्रेंथ नहीं आएगी, जब तक हम अच्छी ग़िज़ा नहीं खाएंगे, जब तक हम अच्छी डाइट नहीं लेंगे, तब तक हमारे बाल भी मजबूत नहीं हो सकते। चाहे आप कोई भी रेमेडी कर लें, चाहे आप कोई भी DIY कर लें, कुछ भी कर लें, जब तक आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी नहीं होगी, वो आपके बाल हो, स्किन हो, कुछ भी हो, वो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो है हमारी हेयर ऑयलिंग, जो कि मैं आज आपको इसी वीडियो में बताने वाली हूँ कि मैं अपनी हेयर ऑयलिंग कैसे करती हूँ और हमें हेयर ऑयलिंग करनी चाहिए, लाजमी करनी चाहिए। आपको एक उसूल बना लेना है कि यार जब भी मैं नहाने जाऊँगी उससे 2 घंटे पहले मैंने अपने बालों में तेल लगाना है। कोई भी ऑयल लगाएं, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, XYZ कोई भी ऑयल आपके पास अवेलेबल है। अगर आप मिक्सचर नहीं कर सकते, बहुत सारे ऑयल्स का मिक्सचर नहीं बना के लगा सकते, तो आप एटलीस्ट अपने बालों में लाजमी अप्लाई किया करें। चाहे वो कोई भी ऑयल हो, आपके पास अवेलेबल है, आप लगाएं। आपके बालों को स्ट्रेंथन करेगा, आपके बालों को मजबूत करेगा, आपके स्कैल्प को हेल्दी करेगा। जब आपके स्कैल्प हेल्दी होगा तो आपके बाल नेचुरली ब्यूटीफुल और अच्छे हो जाएंगे। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं हेयर ऑयलिंग अपनी कैसे करती हूँ, कि मेरी हेयर ऑयलिंग रूटीन क्या है। मैं हर नहाने से 2 घंटे पहले अपने बालों में ऑयल लगा लेती हूँ। अगर आपके बहुत ज़्यादा ड्राई स्कैल्प है तो आप उसको ऑयल को अपने बालों में ओवरनाइट भी रख सकते हैं सर्दियों में। गर्मियों में मैं यही सजेस्ट करूँगी, 2 घंटे काफ़ी होते हैं। वैसे ही पसीना आ रहा होता है, गर्मी लग रही होती है, तो गर्मियों के लिए तो 2 घंटे इज़ इनफ। लेकिन अगर सर्दियां हैं तो सर्दियों में आपको अपने बालों में पूरी रात आप लगा सकते हैं, अगर आपका स्कैल्प ड्राई है तो जो हेयर ऑयल का मिक्सचर मैं यूज़ करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या कौन कौन से ऑयल्स का ब्लेंड यूज़ करती हूँ अपने बालों को सॉफ्ट, शाइनी एंड ब्यूटीफुल बनाने के लिए। तो चलें देखते हैं कि इन अपने बालों का हेयर फॉल हम कैसे कम कर सकते हैं। तो इस रेमेडी के लिए सबसे पहले हम लेंगे कोकोनट ऑयल। अगर आपकी स्कैल्प ड्राई एंड फ्लेकी है तो ये स्कैल्प को मॉइस्चराइज करेगा और साथ साथ स्प्लिट एंड्स को भी क्योर करेगा और आपके बालों को स्ट्रॉन्ग करेगा। तो कोकोनट ऑयल के हमें यहाँ पर लेना है 1 टेबल स्पून। इसके बाद जो सेकेंड ऑयल हमें लेना है वो है हमारा ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल में भरपूर मिकदार में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो आपके हेयर और स्कैल्प दोनों को हेल्दी बनाते हैं, आपके डैमेज हेयर सेल्स को नरिश और इनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, और इसका भी हमने लेना है 1 टेबल स्पून। ये आपके हेयर लेंथ पर डिपेंड करता है, जितनी आपकी हेयर लेंथ है उतना आप ले सकते हैं। नेक्स्ट हम लेंगे सरसों का तेल। सरसों के तेल में नेचुरल कंडीशनर होता है, ये आपके बालों को बहुत ही सॉफ्ट और हेल्दी बनाता है, हमारी स्कैल्प से डैंड्रफ को दूर करता है, और अगर ख़ारिश, इचीनेस जैसी प्रॉब्लम होती है तो उसको भी ये दूर करता है। तो मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों के तेल के भी हमने लेना है 1 टेबल स्पून। इसके बाद जो हमने अपना फोर्थ ऑयल यूज़ करना है वो है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल के बारे में तो आपको पता है हेयर ग्रोथ के लिए कितना बेनिफिशियल है, ये हमारे बालों को लंबे, मजबूत और घने बनाता है। हमारे बालों की ग्रोथ अगर रुकी हुई हो तो उसको रीस्टोर करता है और हमारी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, और इसका भी आपने सेम क्वांटिटी लेनी है 1 टेबल स्पून। इसके बाद जो हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो है हमारा एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल एक नेचुरल चीज़ है और इतनी कोई ज़बरदस्त है फेस के लिए, हेयर के लिए, कि मैं आपको क्या बताऊँ। एलोवेरा जेल जो है वो हमारे स्कैल्प की ड्राइनेस को दूर करता है और साथ ही साथ हमारे हेयर्स पे जो फ्रिजनेस होता है, जो ऐसे अजीब से हुए हुए होते हैं, उन्हें क्योर करता है और हमारे बालों को सिल्की स्मूथ हेयर बना देता है। तो
तो इसका भी हमने ऐड करना है 1 टेबल स्पून। ये सारे ऑयल्स को हमने ले के फिर अच्छी तरीके से मिक्स करना है और बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करें और ये आपका हेयर ऑयल जो है वो तैयार है। और जब आप इसका अपने बालों में मसाज करेंगे तो आपके ब्लड सर्कुलेशन को भी ये इम्प्रूव करेगा, जिससे आपकी हेयर ग्रोथ में बहुत अच्छी तरीके से इजाफा हो जाएगा। तो ये ब्लेंड तो हमारा बन गया है, अब हमने इसको अप्लाई करना है। ये ध्यान रखें कि इसका टेम्परेचर गुनगुना होना चाहिए। अगर आप हेयर ऑयल को अपने बालों में हल्का सा नीम गर्म अप्लाई करते हैं ना, तो यकीन करें कि ऑयल्स की जो पोटेंसी होती है हमारे बालों को क्योर करने की, वो 100% मजीद बढ़ जाती है। और गर्म ऑयल जब आप लगाएं, इतना गर्म नहीं कि आपके सर जल जाए, ऐसा नहीं, लेकिन नीम गर्म सा जब ऑयल है, आप उसको डबल बॉयलर में भी हल्का सा कर सकते हैं, नहीं तो माइक्रोवेव में जाएं 10 सेकंड्स के लिए उसको रखें। और आप सर्दियों में 10 सेकंड्स के लिए आप इसको रखें, गर्मियों में तो 3 सेकंड्स भी काफ़ी होते हैं। आप इसको रखें और आप देखिएगा कि जब आप अपने सर पे अप्लाई करेंगे, आपको इतना अच्छा महसूस होगा, इतना ज़बरदस्त लगेगा, आपका सर भी गर्म हो जाएगा, आपका मेंटली आपको सुकून मिल जाएगा, बिलीव मी। तो इसको जब हमने गुनगुना सा कर लिया, फिर हम इसको अच्छी तरीके से अपने बालों पे अप्लाई करेंगे। एक एक पार्ट, हम बालों का एक एक पार्ट लेके उधर अप्लाई करेंगे। हर जगह आपने अच्छे तरीके से ऑयलिंग करनी है। ऑयल अपने बालों में लगाएं, यह आपके बालों को नेचुरली स्ट्रेंथन करेगा, आपके बालों को शाइनी बनाएगा, आपके बालों का हेयर फॉल कम करेगा। आपके बाल अगर ड्राई हैं, डैमेज हैं, आपको स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम है, उसको क्योर करेगा। ऑयल्स जो हैं वो हमारे लिए एक कुदरत का ख़जाना है, जो हम जितना मर्जी अवेल कर सकते हैं हमें करना चाहिए, क्योंकि हमारे बाल इसी से अच्छे होते हैं। और मैं कुछ प्रोटीन मास्क भी बनाती हूँ जो अपने बालों में अप्लाई करती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, एक रेमेडी मैंने यहाँ शेयर की हुई है, ये मेरी मोस्ट फेवरेट और ईजीएस्ट रेमेडी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं मज़ीद रेमेडीज शेयर करूँ, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अब आपने ऑयल अपने बालों में लगा लिया है, अब आपने क्या करना है कि एक शॉपर, जो बाहर से हमारे घर सामान आता है, शॉपर, प्लास्टिक का शॉपर, शॉपिंग बैग, इसको आपने अपने सर पे पहन लेना। पहनने के बाद आपने सारे बाल इसके अंदर करने हैं और ये ऐसे टाइटली कवर कर देना है अपने बालों को। उसके बाद थोड़ा सा आपने हेयर स्पा करने के लिए, ताकि आपके रूट्स तक ये ऑयल अच्छे तरीके से पहुंचे और आपको अच्छा सा मॉइस्चर दे, ये आपने क्या करना है, हेयर ड्रायर लेना है। सबके घर होता है हेयर ड्रायर। अपने बालों को नॉर्मल स्पीड रखनी है और बिल्कुल नॉर्मल रखना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, ठंडा नहीं, दरमियाना टेम्परेचर रख के आपने अपने बालों को अच्छे तरीके से इस तरह ऊपर ऊपर से हीट देनी है। ये आपके बालों को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करेगा, आपके स्कैल्प को हेल्दी बनाएगा, आपके स्कैल्प को मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा, आपकी स्कैल्प में ऑयल अच्छे तरीके से जज्ब होगा। अगर आपके स्कैल्प में अच्छी तरह से ऑयल जज्ब होगा, तो वो आपको जड़ से लेके एंड तक बहुत ही अच्छे बाल प्रोवाइड करेगा। तो आपने इस तरीके से 2-5 मिनट के लिए चलाएं बंद करें, एक मिनट चलाएं, कुछ सेकंड बंद करें, और इस तरीके से आपने अपने बालों को करना है अच्छी तरीके से। अब इसके बाद आपने इसको छोड़ देना है, आपने रेस्ट करना है, आपने काम करना है, आपने जो मर्जी करना है आप करें। इसके बाद आपने नॉर्मल वाटर से, गर्म पानी से अपने बालों को बिल्कुल मत धोइएगा। इसके बाद आपने अपने बालों में नॉर्मल वाटर से अपने अपने बाल वॉश कर लेने हैं, अपने बालों को शैम्पू करना है, वही कंडीशनर करना है, लाजमी है। शैम्पू कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो आपका दिल करे, जो आपकी मर्ज़ी हो। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ अपनी रूटीन शेयर करूं कि मैं अपने बालों में कौन सा शैम्पू, कौन सा कंडीशनर, हेयर सीरम या सारा कुछ यूज़ करती हूं, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं आपके साथ वो भी अलग से वीडियो बना के शेयर कर दूंगी। आपने अपने बालों को धो लिया, कंडीशनर कर लिया, शैम्पू कर लिया, कंडीशनर कर लिया, आपके बाल क्लीन हो गए। मैं आपको 2 बातें बताती हूँ। पहली, कि अगर आप कोई भी टूल अपने बालों में नहाने के बाद यूज़ करें, जैसे कि ड्रायर से हम बालों को ड्राई करते हैं, ये हमारे जड़ों के लिए, बालों की जड़ों के लिए, रूट्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। इसकी जो डायरेक्ट हवा हमारे बालों में लग रही होती है ना, ये हमारे बालों को डैमेज करती है, ये हमारे बालों को कमज़ोर करती है। मैं कभी भी अपने बालों को हेयर ड्रायर से ड्राई नहीं करती, हमेशा मैं अपने बालों को एयर ड्राई होने देती हूँ। एयर ड्राई होते हैं तो सिल्की स्मूथ बाल होते हैं, और अगर ड्रायर से करते हैं तो मुझे मज़ा भी नहीं आता और बाल बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाते हैं, उड़ उड़ के बिल्कुल मज़ा नहीं आता। सेकेंड टिप, मैं आपको ये बताऊँ कि आप कह रहे हैं कि हेयर फॉल हो रहा है, आप देखें कि अगर आपके सर से दिन में 100 बाल नहीं गिर रहे, तो ये आपके लिए मसला है। हमारे बाल लाजमी गिरते ही गिरते हैं, ये नहीं है कि वो आपका हेयर फॉल हो रहा है। अगर आपके पूरे दिन में 100 बाल गिर रहे हैं,
तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। हाँ, अगर 100 से ज्यादा गिर रहे हैं वो आपके लिए प्रॉब्लम की बात है कि वो आप कह सकते हैं कि हेयर फॉल हो रहा है यार, यूं हाथ लगाया यार मैं गंजा हो गई, यूं हाथ लगाया यार ये तो मेरे बाल गए, इस तरह हो रहा है, तो ठीक है कि आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप बालों को ब्रश कर रहे हैं और उसको करने से आपके काफ़ी ज़्यादा बाल निकल रहे हैं तो वो आपका हेयर फॉल है। लेकिन अगर आपके इस तरीके के, जैसे मैं आपको वीडियो में यहाँ पर दिखा रही हूँ, ये बालों को ब्रश करने के बाद ये मेरे बाल निकले हैं, टूटे हैं, ये एक साइकिलिंग है। अगर आपकी पुरानी चीज़ें जाएंगी तो न्यू चीज़ आएगी ना, तो आपके 100 बाल गिरना इज जस्ट नॉर्मल। तो कोई घबराने की बात नहीं है, इंजॉय करें, स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजारें, अपना ख्याल रखें, जूसेस लें, फ्रेश जूसेस, डिब्बे वाले नहीं, फ्रेश जूसेस लें, फ्रेश फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो सारी खाएं, ड्राई फ्रूट्स खाएं। मैं तो आप यकीन करें कि बहुत ज़्यादा जूसेस पीती हूँ, बहुत ज़्यादा फ्रूट्स खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, पर्सनली मुझे पसंद ही यही है। अगर मुझे भूख लग रही होती है तो मैं चिप्स और बिस्किट, इन चीज़ों को खाने से ज़्यादा बेहतर समझती हूँ फ्रूट्स खाना। मैं हमेशा फ्रूट लेती हूँ, दिन में 2 से 3 फ्रूट, एक एक कोई भी मौसमी फल जो आपका आया हुआ है वो खाएं, दोपहर में खाने से पहले, खाने के बाद ही, आपकी मर्जी है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा। मिलेंगे न्यू वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, आई लव यू सो मच, बाय।